अस्सलाम वालेकुम, ओपीडी ऑनलाइन में खुश आमदीद। मेरा नाम डॉक्टर महरीन शमीम है और मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज हम माइग्रेन के टॉपिक में बात करेंगे। माइग्रेन एक ख़ास टाइप का दर्द होता है जो कि तकरीबन 80% आवाम को होता है। इसके तशख़ीस के लिए हमें अलामात देखने पड़ते हैं, जिसमें ज़्यादातर ये होता है कि मरीज़ को सर दर्द, उसके साथ मतली, उल्टी और रोशनी बुरी लगती है, और इसके अलावा आवाज़ें बुरी लगती हैं। इसकी ज़्यादातर जब मरीज़ों को होता है तो वो अपनी सेल्फ मेडिकेशन करते हैं और डॉक्टर के पास आना ज़रूरी नहीं समझते। लेकिन ये ऐसी बीमारी है जो कि आम तो है, लेकिन इसके लिए हमें डॉक्टर्स के से रजू करने की ज़रूरत है। इसकी तशखीस ज़रूरी है। इसके अलावा हम उन मरीज़ों को दवाएं स्टार्ट करते हैं माइग्रेन की, जिनको ज़्यादातर हफ्ते में दो से या दो से ज़ायद मरतबा दर्द होता है, और वो इतना होता है कि मरीज़ अपने कामकाज नहीं कर सकता और उसकी डेली रूटीन मुतासर होती है। उसके अलावा हम मरीज़ों को अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताते हैं, जिसमें वो रोज़ाना की रूटीन अपनी चेंज करें, जिसमें वो अपनी नींद पूरी करें, वक्त पे सोएं, वक्त पे जागें। इसके अलावा ये कॉफ़ी और चाय का इस्तेमाल कम से कम रखें, खाली पेट ना रहें। जब भी घर से बाहर निकलें तो टोपी या छतरी का इस्तेमाल करें, और अपनी नींद पूरी करना इस बीमारी में बहुत ज़रूरी है, और वक्त पे खाना खाना बहुत ज़रूरी है। खाली पेट रहने से ये माइग्रेन की अलामत बढ़ जाती हैं। इसके अलावा जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जो कि माहिर दिमाग होता है, वो आपको एक खुश खास टाइप की मेडिसिन देता है जो कि माइग्रेन को के सर दर्द को कम करती हैं। इसके लिए जो माइग्रेन की जो ट्रीटमेंट होती है, उसमें कुछ ख़ास किस्म की अद्वियात होती हैं जो कि डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। इसके अलावा हमारे जो आवाम है उसमें दूसरे सर दर्द भी बहुत कॉमन होते हैं, जो कि टेंशन टाइप हेडेक है, जो कि माइग्रेन के साथ अक्सर औकात को होता है। ज़्यादा माइग्रेन हमारी ख़वातीन को होता है, उसके अलावा बच्चों में भी हो सकता है और मर्दों में भी हो सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप फौरी तौर पर माहिर दिमाग के पास जाएं और अपनी इस बीमारी का तशखीस करें। उसके अलावा मरीज़ जो हमें सवालात करते हैं कि सिटी स्कैन या एमआरआई की कब ज़रूरत है, क्योंकि मैंने बताया कि 80 से 90% लोगों को माइग्रेन होता है, तो उसमें ज़्यादातर लोगों को सिटी स्कैन या एमआरआई, दिमाग के एमआरआई की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हमें कुछ ऐसी अलामात लग रही हैं जिसको हम रेड फ्लैग साइन कहते हैं, मतलब कि मरीज़ों की बिनाई मुतासर हो रही है, या किसी को बुखार है साथ में, या सर दर्द बहुत शदीद टाइप का हो रहा है, या किसी हिस्से पे फालिज जैसे असरात हो रहे हैं, तो हमें एमआरआई या सिटी स्कैन की ज़रूरत होती है। वरना मरीज़ के अलामात और उसको मुआयने से ही हम इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। पाकिस्तान में भी ये बीमारी काफ़ी आम तौर पे पाई जाती है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को अवेयरनेस इस बीमारी की बहुत कम है, तो वो ज़्यादातर गली मोहल्ले के क्लिनिक से दवाएँ लेते हैं और माहिर दिमाग के पास आने से ज़्यादातर परहेज़ करते हैं। माइग्रेन की बीमारी की फैमिली हिस्ट्री ज़्यादातर हमें मरीज़ों में मिलती है, और ये बीमारी बच्चों में भी पाई जाती है। छोटे बच्चे अमूमन सर दर्द की कंप्लेन नहीं करते, वो ज़्यादातर कभी पेट दर्द और कभी टांगों में दर्द की शिकायत हमें बताते हैं। लेकिन बच्चों में क्योंकि मिर्गी भी कॉमन है, तो इसलिए उनका प्रॉपर डायग्नोसिस होना ज़रूरी है। उनकी ज़्यादातर स्कूल से शिकायत आती है कि बच्चे को सर में दर्द है, और वो या पेट में दर्द है, टांगों में दर्द है, जिसकी वजह से उसका स्कूल रूटीन ख़राब हो सकता है। इसके लिए हम बच्चों के माहिर दिमाग अलग होते हैं और वो कुछ बड़े हस्पतालों में मौजूद होते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि फैमिली मेडिसिन का रिवाज अभी इतना कॉमन नहीं है, तो पेशेंट ज़्यादातर जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, और वो वहाँ से सिर्फ और सिर्फ सर दर्द की दवाएं इस्तेमाल कर उनको देते हैं, जिनको वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हालांकि इसमें सिर्फ सर दर्द की दवाएं जो कि कॉमनली हमारे पास होती हैं, वो इस्तेमाल करना
से ज़्यादा आप माइग्रेन की प्रिवेंशन मतलब माइग्रेन को कम करने की दवाएं हमें इसमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती हैं, जो कि आपको एक मुस्तनद माहिर अमराज दिमाग ही आपको बता सकता है। इसके अलावा आपको, क्योंकि अब हमारे मुल्क में माइग्रेन के अलावा दूसरी बीमारियां भी बहुत कॉमन है, तो वो आपको तशखीस के लिए माहिर दिमाग के पास ही जाना ज़रूरी है, जिसमें दिमाग की टीबी, फालिज और इसके अलावा दूसरे टाइप के सर दर्द जिसमें दिमाग में प्रेशर बढ़ने के हेडेक होते हैं, जिसमें जिसको हम इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन कहते हैं, उससे मरीज़ों की बिनाई मुतासर हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ आप अपने तौर पे तशखीस नहीं कर सकते, इसके लिए आपको डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है। मरीज़ हमारे पास आते हैं और उनका यही सवाल होता है कि बस आप हमें दवाएं लिख कर दे दें और हम दवा इस्तेमाल कर लेंगे, और वो शॉर्टकट रूटीन चाहते हैं। माइग्रेन को कम करने के लिए आपको डेली रूटीन अच्छा बनाना बहुत ही ज़रूरी है, और दूसरी सारी बीमारियों में भी आपको डेली रूटीन अच्छा करना ज़रूरी है, क्योंकि आप देखें पाकिस्तान में अब हर दूसरा शख्स शुगर और ब्लड प्रेशर का मरीज़ है। उसकी मेन रीज़न ज़्यादातर हमारा पुअर लाइफस्टाइल है, जिसमें देर तक रात को जागना, वक्त पे खाना नहीं खाना, जंक फूड्स खाना। अमराज की रोकथाम के लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों से जाकर अद्वियात के ऊपर फोकस ना करें। जब तक हम अपने इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं देंगे, तो हमारे यहाँ ये बीमारियाँ अब बहुत और बढ़ेंगी, और अब फिर थोड़े दिन बाद ये बीमारी जो कि हमारे 30s या 20s में अब आ चुकी हैं, फिर ये तीन एज की बीमारियां बनती जाएंगी। माइग्रेन के लिए जो एक ट्रीटमेंट होता है, वो हमें 3 से 6 महीने का कोर्स करना पड़ता है। ये सिर्फ एक इस तरह से नहीं होता कि आपने चंद दिन या चंद हफ्ते इस्तेमाल किया तो माइग्रेन ठीक हो जाएगा। इसके लिए आपको तीन से छः महीने अद्वियात इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। बाहर जाएं, अब छतरी और टोपी का इस्तेमाल करें, जो कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा आम नहीं है। इसके अलावा आप प्रॉपर दवाएं वक्त पे खाएं, क्योंकि हमारे अक्सर लोग होते हैं वो पुअर कंप्लायंस होते हैं, वो वक्त पे दवाएं नहीं खाते, ज़्यादातर वो अपनी मर्ज़ी से दवाएं इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारी सर दर्द की एक और वजह जो मैंने आपको बताई, टेंशन टाइप हेडेक के, पुअर लाइफस्टाइल, इसके अलावा स्ट्रेस फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हम लो सोशियो इकोनॉमिक कंट्री है हमारा, जिसमें हमारे यहाँ पेशेंट के पास अखराजात की कमी है, जिसकी वजह से उनको स्ट्रेस रहता है। इसके अलावा उनका जो घरेलू मामलात हैं वो भी बहुत ख़राब होते हैं, जिसकी वजह से उनके सर दर्द अक्सर होते हैं, जिसकी वजह से उनको अक्सर सर में दबाव का शिकार रहते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि अपने घरेलू मामलात को भी फोकस करें, और अपने घरेलू मामलात को फोकस करने के लिए आपको न्यूरोलॉजिस्ट के अलावा साइकोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि सर दर्द आपका माइग्रेन तो अद्वियात और लाइफस्टाइल से ठीक हो सकता है, लेकिन जो टेंशन टाइप दर्द है वो, उसके लिए आपको अपना साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ सकती है, और वो अभी सिर्फ कुछ इदारों में हमारे पास साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है। जब आपके घर का माहौल बेहतर होगा, और इसके लिए हर फर्द को अपने ताल्लुकात बेहतर करने पड़ते हैं, ये सिर्फ घरेलू मामला सिर्फ किसी एक इंसान के सही होने का नाम नहीं है, इसके लिए आपको पूरे ख़ानदान की काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा हमें चाहिए कि हम ज़्यादातर जो स्क्रीन टाइम हमारा बहुत इंक्रीज़ हो चुका है, जिसके लिए मैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब का इस्तेमाल, और उससे अब बच्चे भी मुतासर हो रहे हैं, इसकी वजह से ये सर दर्द हमारे यहाँ और ज़्यादा अब बढ़ता ही जा रहा है, और ज़्यादातर मरीज़ वो इस बात पे फोकस नहीं करते, और डेली वो लेट नाइट मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी नींद मुतासर होती है। तो हमारा और गुस्से में इजाफ़ा हमें महसूस होता है, इसके लिए हमें चाहिए कि मगरिब के बाद से आप कोशिश करें कि मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, ना टीवी देखें, ना कंप्यूटर का इस्तेमाल करें।
अपने जितने भी काम हैं वो मग़रिब से पहले ख़त्म कर लें, और मग़रिब के बाद आप ज़्यादातर बस रात का खाना खाएं, उसके बाद आप इशा की नमाज़ के बाद आप सोने की तैयारी करें। ज़्यादातर आजकल मरीज़ों को नींद की कमी यानी कि इंसोमनिया बहुत ही कॉमन हो चुका है, जिसकी वजह मैंने आपको पहले अर्ज़ की। नींद की कमी होती है तो उसके लिए मरीज़ अक्सर या तो लोकल डॉक्टर या फिर फार्मेसी में लोग होते हैं उनके पास जाते हैं और उनसे अपनी मर्ज़ी की नींद आवर अद्वियात यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो एक और एक विशेष साइकिल होता है, जिसकी वजह से वो उसके आदी हो जाते हैं। फिर उसके पास जब वो बहुत ही इस्तेमाल करने के आदी होते हैं फिर डॉक्टर्स के पास जाते हैं, माहिर दिमाग के पास, तो उनके लिए उसको ख़त्म करना या उसको टेपर करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप अपना स्लीप टाइम, स्लीप हाइजीन अच्छा करें और कम से कम नींद आवर अद्वियात यूज़ करें। आज मैंने माइग्रेन पे बात की, लेकिन आज के मौजू पे बात करने का मकसद ज़्यादातर आवाम को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, क्योंकि अब ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्री इस तरफ आ रही हैं तो हमारे पाकिस्तानी आवाम को भी ज़रूरत है कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें ताकि इनसे जो हमारे मौजी अमराज हैं हम इनसे बच सकें। और आपको किसी भी मशवरे की ज़रूरत हो तो आप कंसल्टेंट यानी कि माहिर जो कि अमराज के जैसे कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनसे मशवरा करें। तो आज का प्रोग्राम यहीं अख्तिताम को पहुंचता है और फिर आपकी डॉक्टर महरीन शमीम को इजाज़त दीजिए, फिर हम हाज़िर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक अपने और अपने गिर्द व नवा के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।